नमस्कार, मैं दीक्षा बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। आज का जो हमारा विषय है वह है योग के साधक तत्व, जिसमें हम हट प्रदीपिका के अनुसार योग के साधक तत्वों के विषय में जानेंगे। स्वामी स्वात्माराम जी ने हट प्रदीपिका के अंतर्गत दो प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, जिसमें योग के साधक तत्व एवं योग के बाधक तत्वों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम योग के साधक तत्वों के विषय में जानेंगे, जिसमें स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा उत्साहसात साहस धैर्यात तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जनसंग परित्यागात षट योग प्रसिद्ध व्यति, अर्थात हट प्रदीपिका में जिसमें प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में योग के 6 प्रकार के साधक तत्वों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञान संकल्प एवं जनसंग परित्याग आते हैं। अब इनके विषय में हम विस्तार से जानेंगे व चर्चा करेंगे। जैसे कि योग का साधक तत्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि साधक अर्थात जो योग मार्ग में सहायता प्रदान करें या फिर प्रगति में जो सहायक सिद्ध होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग एलिमेंट्स के रूप में भी जानते हैं। तो जानते हैं योग के साधक तत्वों के विषय में। सर्वप्रथम उत्साह का वर्णन हमें हट योगिक ग्रंथ हट प्रदीपिका में देखने को मिलता है, जिसमें उत्साह का अर्थ हुआ कि कोई भी योग साधक जब योगाभ्यास प्रारंभ करता है तो योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व वह उसके मन में उत्साह भरपूर मात्रा में होना चाहिए, यानी कि उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व उत्साह के साथ उस कार्य को करते हैं तो निश्चय ही निसंदेह ही उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने योग साधना में उत्साह नामक तत्व को सफलता की कुंजी कहा है। तो उन्होंने कहा है किसी भी योग साधक में उत्साह का होना नितांत आवश्यक है। अगली हम बात करें साहस की, तो साहस का गुण भी उन्होंने अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि योग के अंतर्गत अनेक ऐसी क्रियाएं हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि हठ योगिक ग्रंथों में अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जिनका वर्णन हमें देखने को मिलता है और जिनका अभ्यास साधक को करना पड़ता है शारीरिक व मानसिक शुद्धि हेतु। जैसे कि षटकर्मों की बात करें या इसके अलावा मुद्रा ध्यान या हठ योग के अनेक अंगों का वर्णन मिलता है, जिनका अभ्यास हमें साहस के साथ करते रहना चाहिए। अगर योग साधक में साहस का गुण विद्यमान होगा तो वह योग की उन समस्त क्रियाओं को या फिर उन योग की उन समस्त अंगों का अभ्यास साहस के साथ कर सकता है, जिससे उसको योग मार्ग में जो है प्रगति या फिर सफलता प्राप्त हो सकती है। अगले साधक तत्व के रूप में हम जानेंगे धैर्य को। धैर्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धीरता का गुण, यानी कि स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि योग साधक में धैर्य का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि साधक धैर्य के साथ योग साधना को करता है, आरंभ करता है, तो उसे लंबे समय तक योग साधना को करने में सहायता होती है। क्योंकि योग एक ऐसा साधन है जिसका अभ्यास वर्षों तक या फिर जन्मों तक करना पड़ सकता है। अर्थात मैं कहूँ कि अगर योग साधक धैर्य के साथ अपना योगाभ्यास प्रारंभ करे और धैर्यता के साथ उसको करता रहे तो उसे योग मार्ग में अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि इसके विपरीत यदि योग साधक में धैर्य की निपुणता ना हो तो वह योग साधना के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं से विचलित होकर उसका योग साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगले हम बात करेंगे तत्वज्ञान की। तत्वज्ञान से स्पष्ट है कि प्रकृति व पुरुष के भेद को समझना। जब भी आप योग साधना का अभ्यास करते हैं या फिर योग साधना का प्रारंभ करते हैं तो अपने अंतर्मन में आपको आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि क्या आपका प्रकृति और पुरुष का जो भेद है उसको आपको जानते हुए ही योग साधना का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि शरीर और आत्मा व परमात्मा, इन तीनों का योग के अंतर्गत हमें वर्णन देखने को मिलता है। नित्य व अनित्य हमारे लिए क्या है, इसका
ज्ञान भति भली भांति साधक को होना चाहिए। तो स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि साधक को साधना मार्ग में प्रारंभ करने से पूर्व जो हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनको भली भांति ग्रहण करना चाहिए, भली भांति उनका पठन पाठन करना चाहिए। अगर उसको ज्ञान की भली भांति प्राप्ति नहीं होगी तो उसका निसंदेह समय नष्ट होगा और अनेक प्रकार की बाधाएं उसके समक्ष उत्पन्न होंगी। अगला बात करते हैं हमारे साधक तत्व के रूप में दृढ़ निश्चय की। दृढ़ निश्चय से तात्पर्य है किसी भी सांसारिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपके अंतर्गत या फिर साधक के अंतर्गत दृढ़ निश्चय की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ आपके निश्चय में या फिर जहाँ आपके लक्ष्य में थोड़ा सा ढील हुई तो वहीं आपका मार्ग बाधित हो जाएगा, या फिर जहाँ भी आपका दृढ़ निश्चय डगमगा गया वहाँ आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। तो स्वात्माराम जी कहते हैं कि साधक को दृढ़ निश्चय के साथ योग को प्रारंभ करना चाहिए और उसको निरंतर करते रहना चाहिए। योग के साधक व साधक तत्वों में अंतिम तत्व के बारे में जानेंगे तो वह है जनसंग परित्याग। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जनसंग परित्याग, जन अर्थात लोग, लोगों का संग से परित्याग करना, यानी कि बहुत अधिक लोक संपर्क नहीं रखना है, क्योंकि बहुत अधिक लोक संपर्क रखने से सामाजिक व धार्मिक बाधाओं से बचाव हेतु अधिक जन संपर्क का हमें क्या है त्याग करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक लोगों के संपर्क में रहने से योग साधना में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जितने प्रकार के जन लोगों के संपर्क में आप रहेंगे उतने प्रकार का संशय आपके मन में उत्पन्न होगा जो कि योगी योग की साधना में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार की योग के साधक तत्व और योग के साधक तत्वों के विषय में हमने जाना जो कि योग मार्ग में सहायता प्रदान करते हैं व योग की अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।